Also, I have to inform the members that the Business Advisory Committee in its meeting held on the 24th of July 2014 has allotted time for government legislative and other business as follows. Consideration and return of finance number 2 bill 2014 after it is passed by Lok Sabha 4 hours. General discussion on the budget NCT of Delhi for 2014-15. Consideration and return of the Delhi appropriation number 2 bill 2014 related to demands of grants of NCT Delhi for 2014-15 after it is passed by Lok Sabha 2 hours to be discussed together. Discussion on the working of the following ministries: Power, Women and Child Development, Home Affairs, Urban Development. 1 day each. The committee also recommended that the sitting of the Rajya Sabha fixed for Monday 28th of July 2014 may be cancelled on account of Eid ul Fitr. Accordingly, there will be no sitting of the house on that day. I think that will be a good. Now, Sri Biswajit Dayamary. Biswajit Dayamary. धन्यवाद सर। ना ओनली 5 मिनट्स सर, दूसरों के तरह मुझे भी कृपा करिए सर, इसी तरह झगड़ा करते करते जाएंगे सर, 1 मिनट 2 मिनट। तो सर, इस बजट में हमारे सारे जितना भी यहाँ के जाने माने सदस्यगण हैं, सारे देश के बारे में, शहर के बारे में, राज्यों के बारे में इस बजट के लेके चर्चा किया है। मैं अभी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ या उत्तर पूर्वी क्षेत्र के तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूं। हमारी नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र बहुत ही पिछड़े हुए है, बहुत ही बैकवर्ड है, इसको सब लोग जानते हैं। और इस बजट में जितना भी नॉर्थ ईस्ट के लिए फंड का प्रोविजन रखा गया है, ये सफिशिएंट नहीं। और जितना भी मंत्रालय में सारे देश के लिए जो यहां पान के प्रोविजन रखा है, मुझे संदेह है कि यह नॉर्थ ईस्ट के लिए भी होगा, क्योंकि आज ये जो बजट प्रोविजन रखा गया है, ये बजट आगे से ही जब भी देश के लिए बजट बनाया जाता है तब नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ ना कुछ कहा जाता है, लेकिन वास्तव में उसको नॉर्थ ईस्ट का लोक कभी मिलता नहीं। नॉर्थ ईस्ट के लिए ऐसा भी फंड का प्रोविजन डबल होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पहाड़ी इलाका है। सिर्फ आसाम जिसको प्लेन राज्य कहा जाता है, लेकिन वो भी बहुत ही सारे पहाड़ों से जुड़े हुए हैं, और आसाम के बीच में भी बहुत सारा जिला पहाड़ी इलाका है जिसको डेवलप करने के लिए बहुत फंड की जरूरत है। वो प्लेन एरिया होने से भी आज यहाँ नेशनल हाईवे या रोड के लिए जो 3000 करोड़ रुपया का प्रोविजन रखा है, लेकिन सारे पहाड़ी इलाका में रास्ता बनाने में ये पैसा को भी सफिशियंट नहीं हो सकता है। और आसाम जो प्लेन एरिया है एवरेज, अगर वहां रास्ता बनाना पड़ता है तो और 2 किलोमीटर में एक एक ब्रिज की जरूरत होता है, क्योंकि वहां बहुत नद नदियां हैं। तो इसके लिए जिस तरह से देश के बाकी हिस्से के लिए विचार किया जाता है, सोचा किया जाता है, परियोजना लिया जाता है, सेम मॉडल में, सेम स्टाइल में नॉर्थ ईस्ट में ऐसे परियोजनाओं को कभी कार्यकारी कर नहीं सकता है, इंप्लीमेंट कर नहीं सकता है। सर, विभिन्न जो मंत्रालय है उसके जरिए भारतवर्ष के बहुत राज्यों में कुछ कुछ करने के लिए यहां पर मेंशन किया गया है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में नहीं। जैसे आईआईटी, आईआईएम, एम्स हर राज्य में करने का बात था, अभी 5 राज्यों का घोषणा किया है, लेकिन अगर इसमें से नॉर्थ ईस्ट के किसी भी एक राज्य को अगर शामिल किया जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आगे से बोल के आ चुका हूं कि बहुत पिछड़ा हुआ है। और वह जैसे कि देश के बाकी जगह के लिए एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट एरिया के नाम से वहां के कोई डेवलपमेंट के लिए चिंता किया गया है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के समान एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा माने सफर हुए इलाका भारतवर्ष में कहा है, ये सब लोग जानते हैं।
लेकिन तो भी नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आज वहां पर जो भी काम क्यों ना करे, सरकार जितना खर्चा करेगा उसके समान एक्सट्रीमिस्ट उग्रवादी भी लेके जाता है। जिस तरह हमारे डिफेंस के लिए, पैरामिलिट्री फोर्स के लिए, पुलिस के लिए आर्म्स एम्युनिशन के जरूरत होते हैं, इसी समान नॉर्थ ईस्ट का उग्रवादी भी आर्म्स एम्युनिशन खरीदता है और इसके लिए सारे पैसा हमारे डेवलपमेंट में जो किया जाता है वही से वो लोग एक्सटर्शन करता है, तो उसको तो हम रोक नहीं सकता है। तो इसके लिए हर प्रोजेक्ट में डबल पैसा पकड़ना पड़ता है। अगर एक्सट्रीमिस्ट को पैसा देगा तो भी वहां कॉन्ट्रैक्टर लोग काम कर सकेगा, तो भी वहां टेक्निकल पर्सन साइट पे जा सकेगा, ये सही बात है। तो इस चीज का अगर ध्यान नहीं देगा तो वह कोई भी प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक से कर नहीं सकता है, इसलिए इसको ध्यान देना चाहिए। जैसे टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए कोई टूरिज्म सर्किट बनाने का बात यहां पर मेंशन किया है कुछ इलाकाओं को, नॉर्थ ईस्ट में ऐसा बहुत सारा मौका है लेकिन वहां पर खुश नहीं है। अगर चाहे तो हम आज नॉर्थ ईस्ट में भी कोई ऐसे टूरिस्ट सर्किट बन सकता है, कुछ जगह को पब्लिसिटी करके वहां के लिए टूरिस्ट को लाने के लिए व्यवस्था कर सकता है। आज वहां अगर हाउस में एडमिट होता है जो उग्रवादी का जो डिजिग्नेटेड कैंप है उसको भी हम लोग टूरिज्म में ला सकता है। टूरिज्म के मैप में 50 से भी ज्यादा उग्रपंथी एक्सट्रीमिस्ट वहां सीजफायर में है, वहां जाके उन लोगों के साथ साफ पी सकता है टूरिस्ट। वहां उन लोगों के जाकर क्यों वो लोग आर्म्स पकड़ा, क्यों ऐसा मूवमेंट किया, क्यों उनके हाथ में बंदूक है, बारूद है, इसको आराम से बैठ के एक टूरिस्ट बात कर सकता है आज, क्योंकि खुले आम वो लोग वही डिजिटल कैंपर बैठ रहा है, खुले आम वो लोग घूम रहा है, तो उसको भी हम टूरिज्म के सेक्टर में क्यों नहीं ला सकता है, जो कि बाकी देश में नहीं कर सकता, जिसको गवर्नमेंट ने स्वीकृति दे दिया है। आज वहां पर बाढ़ है, फ्लड है, फ्लड का भी टूरिज्म कर सकता है। दिल्ली में बारिश नहीं होता है, यूपी में बारिश नहीं होता है, अगर लोग आसाम में जाएगा तो कम से कम बाढ़ देखने को मिलेगा, इसके लिए भी तो टूरिज्म हो सकता है। तो इसी तरह कुछ ना कुछ वहां पर कर सकता है। आज गोंगा के लिए वो चाहे कंजर्वेशन के हो जो भी हो, उसके लिए इतना सारा रुपया प्रोविजन रखा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि आसाम के जो माजुली है जो विश्व के नदी द्वीप से प्रसिद्ध है और जहां पर सदियों से वहां के लोग भारतीय कला संस्कृति और धार्मिक रीति रिवाज को अपना कर वहां के लोग अभी भी जीवन निर्वाह कर रहा है, उन लोगों को बसाने के लिए, माजुली को बसाने के लिए ऐसे फंड की प्रोविजन क्यों नहीं किया गया, ऐसे फंड की प्रोविजन की जरूरत है। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा बोडोलैंड के बारे में बोलना चाहता हूं। आसाम के जो बोडोलैंड इलाका है भूटान के सामने, तो वहां पर आज एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम करने की जरूरत है। मैं अनुरोध करूंगा मंत्री जी को, जो आईआईटी आईएमएम एम्स बनने के लिए या कोई मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनने के व्यवस्था ले रहा है, वहां पर के लिए भी एक व्यवस्था करे। वहां ड्रिंकिंग जो वाटर है वहां बहुत क्राइसिस है, पहाड़ के सामने होने के कारण वहां पर खुदाई करके कोई कुआं बना नहीं सकता है, कोई ट्यूबवेल नहीं कर सकता है। इस बारिश के समय में भी नदी से पानी बह रहा है लेकिन जमीन के अंदर से पानी निकल नहीं रहा है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर से लोग पानी ला ला के पी रहा है, तो वहां के लिए पानी की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। और इसी तरह हमारे जो बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल के आधार पर है, और वहां पर स्टेट की तरह सारे डिपार्टमेंट को संभालने के लिए क्षमता दिया गया, लेकिन हमारे केंद्रीय सरकार के जितना भी मंत्रालय है इसको वहां पर काम करने के लिए जो गाइडलाइन बनाया गया है 6 शेड्यूल में इसको कैसे कार्यकारी करेगा इसका कोई उल्लेख नहीं है। और इसी कारण आसाम के जो 6 शेड्यूल एरिया है, कार्बी आंगलोंग, एमसी हिल्स और बोडोलैंड, उसमें जैसे एनआरएचएम जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है और हेल्थ मंत्रालय ने इसको लिया है, वहां पर एनआरएचएम का काम नहीं चल रहा है, सर्व शिक्षा का अभियान काम चल नहीं रहा है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का काम नहीं चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना का काम भी नहीं चल रहा है। और इसी तरह जो डिजास्टर मैनेजमेंट का ये है, क्या है डिजास्टर, क्या बोलता है ये, जो अचानक ये प्राकृतिक दुर्योग होता है इसके लिए भी जो डिप्टी कमिश्नर के जरिए उसको चेयरमैन करके वहां पर काम किया जाता है। बोडोलैंड में वहां पर डीसी का कोई काम नहीं है और इसी गाइडलाइन के कारण वहां के लोग आज जितना भी अचानक ऐसी समस्या हो वहां पर कोई लोग कोई इस सुविधा को नहीं मिलता है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं मंत्री महोदय को इस सारे चीजों को देख के वो इसके लिए कोई मैकेनिज्म निकाले,
गाइडलाइन को सेंस करें, सिक्स शेड्यूल के लिए स्पेसिफिक मेंशन कीजिए कि वहां का मंत्रालय किस तरह से इस सेंट्रल का ये प्रोग्राम है इसको कैसे कार्यकारी करेंगे। और अंतिम में मैं अनुरोध करता हूं, कम से कम डोनर में जो पैसा बताया गया है या नोडिस के लिए जो 10% नॉन लेप्सल मिल में दिया गया है हर मंत्रालय से, उसी की तरफ से बदलने के लिए स्पेसिफिक कम से कम 1,000 करोड़ रुपया ईयरमार्क करके भेजे, ताकि बदले में स्पेशली हम इन समस्या को समाधान करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट कर सके। यही कहकर मैं अपना स्पीच समाप्त करता हूं, धन्यवाद। श्रीमती वंशुक सेलम। थैंक यू सर, आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द ऑनगोइंग डिस्कशंस ऑन द जनरल बजट प्रपोजल। Many senior parliamentarians, including veterans from my party, have talked in details on diverse proposals contained in the budget speech. I do not consider myself qualified enough or equipped to speak on the complexities of the union budget, but I would venture to put forth my views that reflect common men's reaction to the impact of the budget proposal. Sir, hailing from the Northeast, I will confine myself as to how proposal affect to the people of the Northeast. Sir, Northeast region lacking behind of developmental aspect in comparison to the other parts of the country. The region is connected with the mainland nation by an unbreakable cord like link we call chicken neck, a 14-kilometer wide and 100-mile long corridor flanked by Nepal in the north and Bangladesh in the south. This union budget has no major initiative of government for the Northeast, either it may be infrastructure, development, or above emphasizing economic development of the region. Sir, the UPA government for the last 10 years have been constrained in making up several initiatives to address the issues of the Northeast. Here, a dedicated funding provisions, namely Northeast Special Accelerated Road Development Program, NESARDP, made for the development of all sort of road, either is the state road or a national highway. And for the last 3 years, an amount of ₹8,750 crores sanctioned and released at SARDP Northeast. But in this year budget, sir, there's no mention above the SARDP Northeast, which gives boost on development of road communication in the region. Sir, work progress of East-West Corridor project in the Northeast is progressing. Out of 670 kilometer length of this project in Northeast, till date, 30 to 35% road length has been completed. Construction work on remaining part of the East-West corridor is pending. Even the construction work of the bridge over Brahmaputra near Saraikhat is still going on. There was a proposal by the UPA government of connecting all state capitals of Northeast with East-West corridor with 4-lane highways. But this budget is completely silent upon government previous move about completing the pending works of the East-West corridor of the Northeast part. Sir, the UPA government always stressed upon the upliftment of the Northeast. In 2008, had released the Northeast Region Visions 2020 documents, which has been set up. The goal identifies the challenges and suggests religion and sectoral implementation strategies for promoting the socio-economic prosperity of the region. With a view to growth rates in the Northeast region, catching up with the overall national growth rates, the document suggests a six-fold strategy for the comprehensive developments of the region. Creation of development of opportunities for the rural areas through enhancing productivity in agriculture, aligned activities such as animal husbandry, horticulture, floriculture, fisheries, and generation of livelihood options through rural non-farm employment. Hence, I urge upon the government and the Honorable Finance Minister
to visit the Northeast Vision Documents 2020 and take effect measures on implementation of its recommendations. Sir, we must recall that our new Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, has shown his concern and commitment towards Northeast during pre-election campaign. And in his speech on the floor of the Lok Sabha, he mentioned his government trust upon the emerging Northeast region as organic state, which could be a better example for the country as well as the world, and also greatly contribute upliftment of economic development of the region. It really needs to be, sir, because the Northeast has been blessed with natural and human resources that can greatly contribute to the overall development of this region as well as the country. But I must have to express, sir, that in this budget, the commitment is not reflected in the term of strategy or specific policies that can elaborate the process of enhancing Northeast towards an organic region. My maiden speech, sir, this is my first speech, sir. Sir, the UPA government striving to attract optimum investment from the South Asian countries as well as neighboring countries to be Northeast region through initiatives under the Look East policy. The policy is perceived in multifaceted manner in diverse areas such as improved connectivity, promotion of trade and investment, and cultural exchange with South Asian countries. The Northeast region would be a trade corridor within purview of Lok East policy in some sector like tourism, energy, agriculture, transportation, and communications, along with public health and a people-to-people contact. Northeast must play a vital role with more viable prospects that would help the region for sustainable development. Sir, I should not miss the positive aspect of the new proposal. Government has motivated to promote inter-border trade with local communities across Bangladesh and Meghalaya border. Sir, I request the government and the final minister to continue with all this project, and I hope it will be strived towards transforming the Northeast region and its people as integral part of the nation and truly Indians. Thank you, sir. Thank you very much. Now, Sri Ram Kumar Kashyap. You got only 4 minutes. Sir, it is my maiden speech, sir. उपसभापति महोदय, आपने मुझे आम बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका सिर झुका करके धन्यवाद करता हूं। माननीय वित्त मंत्री महोदय का यह पहला बजट है और इस बजट पर मेरा यह मेडन स्पीच है। उपसभापति महोदय, मैं हरियाणा का निवासी हूं और एक आम परिवार से संबंध रखता हूं। मैंने कभी अपने जीवन में यह नहीं सोचा था कि मैं भी कभी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा का सदस्य बनूंगा। और उपसभापति महोदय, आप मुझे वित्त मंत्री के पहले बजट पर बोलने का मौका देंगे, आपने मुझे मौका दिया, मैं पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं। तो साथ में मैं अपनी पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे अपनी पार्टी की तरफ से राज्यसभा का सदस्य नामित किया है। वित्त मंत्री महोदय, आपने हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए एक संतुलित बजट पेश किया है, इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। वित्त मंत्री महोदय, इस बजट में आपने वनों के विकास के लिए और वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए आपने 1169 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस पैसे का इस मद पर सही इस्तेमाल करने पर वन प्राणियों की रक्षा होगी तथा वनों का विकास होगा। वनों का विकास होने पर हमारा पर्यावरण और शुद्ध होगा और हमारे अनुकूल होगा, और वनों के विकास से वर्षाओं में बढ़ोतरी होगी। एक समय ऐसा था जब हिंदुस्तान में वर्षा की स्थिति बहुत अच्छी होती थी। मैंने अपने जीवन में वर्षा का लगातार 15-15 दिन होते देखा है। वर्षा इतनी होती थी कि मकानों की छतों पर भी खरपतवार इस प्रकार से उग जाती थी जैसे कि हमने छतों पर जो है खरपतवार की बुझाई की है।
परंतु अब तो हमें अपने मकानों की छतों पर इस प्रकार की कोई वनस्पति उगते नजर नहीं आती, क्योंकि अब वर्षा इतनी नहीं होती जितनी यह 1960 के दशक में होती थी। उस समय जंगल बहुत होते थे, हर जगह पेड़ पौधे उगे हुए नजर आते थे, हर जगह हरियाली ही हरियाली नजर आती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। इस वर्ष वर्षा बहुत कम हुई और वो भी लेट हुई, जिसके कारण समस्त भारत में सूखे जैसी स्थिति पैदा होगी। पिछले दिनों सूखे की समस्या पर सदन में चर्चा हुई और समस्त सदन ने इस पर अपनी गहन चिंता भी नजर जाहिर किया। वर्षा न होने का मुख्य कारण यह है कि हमने अपने जंगलों को अपनी सुख सुविधाओं के लिए काटने का काम, भारी मात्रा में काटने का काम किया। साथ में हमने अपने खेतों से और अपने घरों से भी वृक्षों को, पेड़ों को काटने का काम किया। हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया और प्रकृति जो है हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। इंग्लिश में एक प्रवर्ब है, टू होम एवल इज डन डू एवल इन रिटर्न। प्रकृति का हम नुकसान करेंगे तो प्रकृति नेचुरली हमारा भी नुकसान करेगी। विषय में अच्छी वर्षा हो और सूखे जैसी समस्या का सामना ना करना पड़े, मंत्री महोदय, इसके लिए हमें जंगलों के विकास पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वृक्षों को भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगाना होगा, उनको लगाना ही नहीं होगा बल्कि उनकी देखभाल और उनको हमने मेंटेन भी करना होगा। वृक्षों को लगाने और उनकी देखभाल करने में भारत का हर एक नागरिक अपना अहम योगदान अदा कर सकता है। इस पर मंत्री महोदय से मेरा एक सुझाव है कि पेड़ों के विकास के लिए एक ऐसी योजना बनाई जाए जिसके अंतर्गत हर एक नागरिक के लिए एक पेड़ लगाना अनिवार्य कर दिया जाए और हर एक नागरिक जो है अपने, चाहे वो अपने घर में, चाहे अपने खेतों में, चाहे वो सरकारी पार्कों में, सड़कों किनारे पर एक पेड़ लगाने का काम करेगा जब इस तो करेगा। और उसको मैं ये कहना चाहूंगा, उसकी सरकारी सुविधा तब तक नहीं दी जाए जब तक वह लिख कर यह सुनिश्चित न करे कि उसने एक पेड़ लगाने का काम किया है। जब निश्चित तौर से ऐसा काम होगा तो निश्चित तौर से मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा तो हमारे हिंदुस्तान का हर गांव और हर शहर हरा ही हरा नजर आएगा, कुछ दिनों के बाद हर नजर ही आएगा। मंत्री महोदय जी, अपने बजट में अनुसूचित जातियों व अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रसार के लिए छात्रवृत्ति देने के लिए 2585 करोड़ का प्रावधान किया है। मंत्री महोदय, यह आपका एक स्वागत योग्य है कदम है। इस राशि में से 1500 करोड़ रुपए ऐसी छात्रों को व 785 करोड़ की राशि अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देने में खर्च होगी। मंत्री महोदय, यह कदम आपका स्वागत योग्य है, परंतु मंत्री महोदय, ओबीसी के छात्रों के लिए उनकी जनसंख्या अगर देखें तो यह राशि बहुत कम प्रतिबिकती है। इसलिए मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस राशि को कम से कम दुगुना करने का काम करेंगे तो मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करूंगा। मंत्री महोदय, शिक्षा से संबंधित एक अन्य मुद्दे पर भी मैं अपना ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा। जैसे कि मैं हरियाणा से संबंध रखता हूं, हरियाणा में ओबीसी की जनसंख्या 40% के लगभग है। ओबीसी वर्ग में बंजारा, पाल, गडरिया समाज, धोबी, नाई, लोहार, बढ़ई, कश्यप, राजपूत जैसी जातियां की तो आर्थिक स्थिति इतनी खस्ता है कि वो जो है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा दिलाने में जो है तंगी का सामना कर रही हैं। तो कई बार तो ऐसे विद्यार्थियों को फीस, दाखिला, किताबों, होटल का खर्चा भरना करने के कारण उनको स्कूल और कॉलेज छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। तो पिछले दिनों हरियाणा के जिला करनाल में एक ऐसा मामला मेरे नोट्स में है, जो कि पाल समाज से एमबीपीसी का छात्र है जो अपने अंतिम वर्ष में पढ़ रहा है और अंतिम वर्ष के लिए उसको राशि की जरूरत है और 2 लाख की राशि उसके जो माँ बाप हैं देने में असमर्थ हैं और उस असमर्थता के कारण वो छात्र जो है अपनी पढ़ाई छोड़ने पर असमर्थ हो रहा है। मंत्री महोदय, मेरे को भी विद्यार्थी जीवन में ऐसी इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। मैं 1976 में एलएलबी के दाखिले में दाखिला लेना चाहता था, मेरा दाखिले की लिस्ट में नंबर आ गया, परंतु उस समय मेरे पास पैसे की कमी पड़ गई और पैसे की कमी का मैं समय पर प्रावधान नहीं कर सका और मैं उस साल मेरा एक साल खराब हो गया, मैं दाखिला नहीं ले सका। तो मैंने फिर अगले साल पैसे का रिजमेंट किया, मैंने फिर लाभ किया। तो मुख्यमंत्री महोदय, ऐसे बहुत से छात्र हैं सारे हिंदुस्तान में जिनकी स्थिति ऐसे है, तो ये तो दो मैंने उदाहरण दिया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ऐसे गरीब बच्चों के लिए जो अपने पढ़ने में असमर्थ हैं उनके लिए एक हिंदुस्तान के लेवल पर एक ऐसा कोर्स
का गठन करने का काम करें, जिस कोर्स से जो बच्चे जो हैं उस कोर्स से जो है इंटरेस्ट फ्री लोन लेकर के अपनी शिक्षा का पूरा कर सकें और एक अच्छे नागरिक बन करके अपने हिंदुस्तान के विकास में अपना अहम योगदान कर सकें। मंत्री महोदय, मैं हरियाणा से बंद करता रखता हूँ, आपने जस्ट एक वन मिनट, मेरी मांग हरियाणा के लिए, मंत्री महोदय आपने हरियाणा के लिए एक बागवानी का काम किया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। तो मंत्री महोदय, एक मैं आपसे निवेदन करूंगा, हरियाणा के लिए आपका एक बड़ी इंडस्ट्री देने का काम करें। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर संजय सिंह, बिल्कुल वन मैन वन ट्री कि आपने इसके लिए समय दिया, और वित्त मंत्री जी का बहुत मैं शुभकामना करता हूं, आभार करता हूं कि उन्होंने पहले बजट में, उनको पहला बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला, और मेरी आशा है कि देश के करोड़ों लोगों के अच्छे दिन की कल्पनाओं को साकार करने का उनको अवसर मिलेगा। माननीय महोदय, ये बजट कई मामलों में ऐतिहासिक बन जाता है। पहली बात कि 29 साल में यह सरकार बहुमत की सरकार है, और इसका नेतृत्व एक हमारे ऐसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं जो पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री बनने का उनको अवसर मिला, और ये बहुमत की सरकार से लोगों को बड़ी आशाएं थीं, लेकिन अच्छे दिन के नारे और गुड गवर्नेंस लेस गवर्नमेंट, इसके बहुत नारे चुनाव में लगे थे, लेकिन उसके बाद हमें लगता है कि इस बजट ने उन नारों की हवा निकाल दी। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि मिनिमम गवर्नमेंट की एक कैसी व्यवस्था है कि लगभग हर चीज़ों में 100 करोड़ का प्राविधान है, लेकिन बड़ी समितियां बनी हैं जिससे ये तमाम सारी चीज़ें वो गवर्न करना चाहते हैं। माननीय महोदय, अच्छे दिन की उम्मीद कि इस सरकार आने पर बहुत सारे लोगों के अरमान टूट जाते हैं, ऐसा लगता है कि ये भी एक ऐसा ऐतिहासिक बात बनती है। महोदय, इसके पूर्व 29 साल के पहले माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की भी बहुमत सरकार आई थी, उस समय आईटी सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर में ये देश महाशक्ति बना था, और आज ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बेंगलोर हो, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां बहुत कोशिश करके अपने दफ्तर खोल रही हैं, प्रयास कर रही हैं कि उनको स्थान मिले, और इसी बदलाव में 1985 की सरकार एक साहसिक योजनाओं और तमाम सारी स्कीमों से अपने देश को महाशक्ति बनाई थी। मैं उस समय सीडैक और सीडॉट जैसी संस्थाओं को स्थापित करके हमारे इस कृषि प्रधान देश को उस सेक्टर में बहुत बड़ी क्षमता का प्रयास दिखाने का ये परिणाम हमें मिला था। हमें लगता था कि ये सरकार भी उसी दिशा में आज पूर्ण बहुमत की सरकार के रूप में ऐसा देश को मार्गदर्शन करेगी, ऐसा देश में ऐसा मौका देगी कि यहाँ पर जो आम आदमी है वो अपने लिए कुछ कर सकेगा, लेकिन मुझे लगता है इसमें उसको भी पछतावा हो रहा है, और लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि वो अच्छे दिन कब आने वाले हैं। माननीय महोदय, यह बहुमत की सरकार भी ऐसा कुछ इस देश की दशा को एक ऐसी दिशा देगी जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस, लोगों का भरोसा पैदा होगा, ऐसा मैं माननीय वित्त मंत्री से चाहता हूं। माननीय महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि किसी भी बजट के लिए 45 दिन बहुत कम होते हैं, मैं मानता हूं ये बात सही है, लेकिन माननीय मंत्री जी को ये भी हमारी बात मानना पड़ेगा कि कम से कम दिशा का, एक अच्छी दिशा का एहसास तो 45 दिन में दिलाया जा सकता था। मैं ये समझता हूं कि आज जिस तरह से
करोड़ों लोग अच्छे दिनों के लिए मतदान करके इस बहुमत सरकार को लाया था, आज उसमें बड़ा उन लोगों को पछतावा है और इसी बीच में लोग चर्चा करने लगे हैं कि वो अच्छे दिन कब आएंगे। माननीय महोदय, मैं दो एक मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षण चाहता हूं। आवास व्यवस्था के बारे में, आज 10 सालों में हर एक मकान की कीमत 10 गुना बढ़ गई है। आज 1 करोड़ का मकान आम आदमी अगर खरीदना चाहे तो उस पर उसको 1,000 रुपए की छूट मिल रही है। मुझे नहीं लगता कि ये आम आदमी के लिए कोई खास ऐसी राहत है, और आज ज़्यादातर रियल इस्टेट की कंपनियां ज़्यादा लाभ कमा रही हैं बनिस्बत की आईटी सेक्टर की कंपनियों से। तो मुझे लगता है कि इस बजट में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की लाइन वालों को ज़्यादा फायदा है, जो मकान खरीदने वाले हैं उनके लिए कोई खास राहत की बात नहीं है। माननीय महोदय, स्वास्थ्य के बारे में माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि ये आपके एम्स और भी देश में 10 खुलेंगे। मुझे लगता है कि एम्स खुलने की जगह आज देश की जो जनसंख्या है उस हिसाब से कम 10 जिलों पर अगर एम्स खुले और उनकी गुणवत्ता का ज़्यादा ध्यान हो तो मैं समझता हूँ कि उसके बारे में ज़्यादा एक डायरेक्शन इस देश को मिलेगा। भारत सरकार प्रदेशों में भी हजारों करोड़ आवंटित करती है, लेकिन जिस तरह से उस पैसे का दुरुपयोग होता है, जिस तरह से उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स हो पाती, मैं समझता हूँ कि इसके बारे में भी माननीय वित्त मंत्री जी ध्यान देंगे कि उन स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, वहाँ के डॉक्टरों का ध्यान और तमाम सारा जो पैसा दुरुपयोग हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में बहुत सारे डॉक्टरों ने सुसाइड किया जेलों में, उनकी बहुत जांच हुई, सीबीआई जांच चली और इस तरह की तमाम सारी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। माननीय महोदय, मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। नॉर्थ ईस्ट देश की जनसंख्या के औसत में 8% है, लेकिन आतंकवादी गतिविधियों के लिए वो देश का 70% वहां घटनाएं हो रही हैं। इसका कारण है, कारण यह है कि वहां पर नौजवानों के लिए रोजगार, वहां पर तमाम सारे लोगों के खेल कूद की व्यवस्था, वहां पर फल और सब्जी की कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था, देश में कम से कम विदेशों को अगर वो न जा सके तो देश के बड़े नगरों में वह अपने उत्पाद को भेज सके, ऐसी व्यवस्था बने। माननीय महोदय, मैं 2 मिनट और लूंगा। आसाम खास करके, वहां पर विकास की 10% बजट एलोकेशन होता है, वहां पर तमाम सारे ऐसे रोजगार के भी अवसर दिलाने की कोशिश है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कोशिश हो रही है, लेकिन आसाम की सबसे बड़ी समस्या है वहां पर बाढ़ की, और बाढ़ की वजह से आसाम में कोई भी विकास दिखाई नहीं देता। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, आश्वासन भी चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि इस बारे में कोई ऐसी व्यवस्था हो कि जिसका परमानेंट कोई हल निकल सके। वहां पर राइनोज बहुत मारे जा रहे हैं, मानता हूं कि वो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के ऐसे जो जानवर हैं इस देश में, पशु हैं, वन्य जीव हैं, उनको सुरक्षा देने की भी व्यवस्था यहां केंद्र से सुनिश्चित हो तो मैं चाहता हूं। माननीय महोदय, मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में इस देश के बजट से आम आदमी के लिए, किसानों के लिए, किसान इस देश में एक सुई भी बनाने वाला स्वयं अपना उसका दाम निश्चित कर सकता है, लेकिन किसान जो जाड़े गर्मी बरसात में मेहनत करके इस देश को नहीं, पूरी दुनिया को, कि कई देशों को अपने उत्पाद से वहां अनाज भेजा जाता है, लेकिन किसान की हालत बद से बदतर होती जा रही है, इसके बारे में भी ध्यान दिया जाए। मैं यही चाहता हूं कि आज आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं वो इस देश के लिए बहुत सुरक्षा के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में एक विशेष पैकेज या विशेष व्यवस्था, जिससे कि वह इस देश की मुख्य धारा से हर समय जुड़े रहें और ऐसा न लगे कि जैसे हमारे देहात में तेल पर नहर में तेल का पानी नहीं पहुंचता, नॉर्थ ईस्ट में भी इस दिल्ली की सत्ता का प्रताप पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था हो। धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ यस, नाउ यू सी, आई जस्ट वांट टू नो, देयर आर 5 or 6 names which are not in the list, but insist, no, not in the list,
they all gave the name and they are insisting and pressurizing. If the House agree, 2 minutes each, I can give it to them. But if House agree, if nobody, then after two minutes, I will say, okay, 3 minutes. After 3 minutes, the mic will be off from your side and it will not be recorded. On that condition, I can call. But I tell you, I allow it because it is budget discussion. And otherwise, I would not have allowed it. But hereafter, make it a point, give your name in advance. And others also, those who speak within the time allotted to you. Everybody is taking more time. Now, what the chair can do? This is my position. Now, so, Sri... Finance bill will come. Yes. That is a good suggestion. Why not they have given yes? I think that's a good suggestion. Yes, these, okay. Now, all these names I will read. You give in advance name for finance bill. Yes. I will call. Now, we have other names for finance bill, and so is the case with other parties. So the budget speaker should speak on budget. Whatever time limit you have set, it's okay. Okay, then okay, I agree. 3 minutes. Only 3 minutes. After 3 minutes, mic is off. It will not go on record. Sri Ratanpuri? Ratanpuri? Nahi hai. Ramdas Atwale? Sirf 3 minutes. Sirf 3 minutes. Nahi. Sirf 3 minutes, then mic off. Then mic off. Upar Sabhapati Mahoday. Humare NDA ke Artha Mantri. अरुण जेटली जी ने जो 2014-15 का बजट जो पेश किया है तो ये बजट का समर्थन करने के लिए और कम से कम मतलब अभी इस साल का जो बजट है अभी हम उनको 40-45 दिन में मिला और ये बोल रहे हैं कि भाई ये बजट में ये नहीं वो नहीं मतलब पैसा कहां से लाएंगे मतलब कैसा पैसा लाना है इसके लिए प्लानिंग हमको करने की आवश्यकता है अभी तो बोल रहे हैं कि ये बजट ऐसा है वैसा है आपका बजट कैसा था नहीं मतलब बजट जो है अभी हमको काम तो करने दो अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं नहीं नरेंद्र अभी सरकार सर हमारी अभी सरकार आई है हमको थोड़ा प्लान करने दो हम टैक्स बढ़ा देते तो बोलते थे कि भाई ये बढ़ाया वो बढ़ाया तो रेल में हमने ट्रायल किया कि भाई रेल में थोड़ा सा बढ़ाकर इनकी रिएक्शन की आती है तो ये एकदम हंगामा करने लगे और इसीलिए अरुण जेटली जी ने जो बजट लाया तो ये बजट आने के बाद एक भी आंदोलन हुआ नहीं एक भी आंदोलन हुआ नहीं इसका मतलब यह है कि ये बजट अच्छा है लोग बोल रहे हैं कि भाई इनको कुछ दिन देना चाहिए तुमको 50-60 साल में मिले और हमको इतने भी दिन नहीं देंगे तो फिर हम क्या क्या करेंगे और इसीलिए मतलब अभी मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि अरुण जेटली जी का बजट है अच्छा अरुण जेटली जी का बजट है अच्छा इसलिए खुश है देश का बच्चा अरुण जी आपको मौका मिला है अब तो आप काम करो सच्चा आपको मौका मिला है अब तो आप काम करो सच्चा और मैं करता हूँ कांग्रेस का पीछा हाँ तो हम तो सत्ता में रहेंगे कम से कम 10 साल हम तो सत्ता में रहेंगे कम से कम 10 साल देखते रहेंगे हम कांग्रेस का क्या होता है हाल हम तो रहेंगे सत्ता में कम से कम 10 साल देखते रहेंगे हम कांग्रेस का क्या होता है हाल इन लोगों ने बहुत कमाया है माल इन लोगों ने बहुत कमाया है माल महंगी करके डाल तो उनका नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे कम से कम 10 साल तुम भी रहेगे लेकिन मैं कहां रहूंगा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे 10 साल उनका कोई नहीं करेंगे बाकाबाल नरेंद्र मोदी रहेंगे कम से कम सत्ता में 10 साल उनका कोई नहीं करेंगे बाकाबाल क्योंकि हमने खड़ी की है बहुत मजबूत वाल तो ठीक है तो ओके ना 3 मिनट हो गया माइक ऑफ नथिंग गोइंग ऑन रिकॉर्ड
श्री तीन मिनट हो गया बस। श्री अरविंद कुमार सिंह 3 मिनट हो गया। श्री अरविंद कुमार सिंह उप सभापति जी प्लीज बोले 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 बोले। उप सभापति जी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नो नो डोंट से ऑल दिस कि आप यू मेक योर पॉइंट। सामान्य बजट पर चर्चा के दौरान चर्चा में भाग लेने का मौका दिया है। नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड अथवाले जी बैठिए रिकॉर्ड में नहीं आते बैठिए। ओके प्लीज बोलते रहे। क्या बोलो 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 यू स्पीक से बोलें सर। नहीं नहीं तुम्हारा आपका रिकॉर्ड में आता है। आप बोलिए आप बोलिए आप बोलिए आपका रिकॉर्ड में आता है बोलिए। के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी का नारा है कि कपड़ा रोटी सस्ती होगी। मिस्टर अतवाले प्लीज मिस्टर अतवाले दिस इज वेरी बैड सिट डाउन यू सिट डाउन जिस तरह से दिस इज वेरी बैड सिट डाउन यार व्हाट आर यू डूइंग दिस इज वेरी बैड ऑन योर पार्ट। आई अलाउड यू टाइम सिट डाउन डू दिस व्हाट इज दिस क्या एक बैठिए समस्या नहीं। नो नो जिस तरह से प्लीज नो प्लीज डोंट डू दिस प्लीज। जरूरत से हमें दिस इंडिसिप्लिन मिलती है। हवा मुफ्त में मिलती है पानी मुफ्त में मिलता है उसी तरह से हमारे मस्तिष्क में जाने वाला ज्ञान भी मुफ्त में मिलना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं लेकिन मुझे लगता है कि जब छात्रों को कुछ देने की बात आई तो ये झपकी लेने लगे। महोदय प्रतिभा दौलत की मोहताज नहीं होती है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आज मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है। महोदय गरीब का बच्चा टेस्ट पास कर लेता है लेकिन महंगी शिक्षा होने की वजह से वह पढ़ाई नहीं कर पाता है। महोदय एजुकेशन लोन की व्यवस्था है। मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि एजुकेशन लोन ब्याज मुक्त होना चाहिए। यदि आप एजुकेशन लोन ब्याज मुक्त कर देंगे तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई गरीब का भी बच्चा कर सकता है। महोदय एजुकेशन लोन की प्रक्रिया को आसान बनाना होगा। मुझे याद है बनारस के एक हमारे मित्र का छोटा भाई मेडिकल का टेस्ट पास कर लिया। जब वह बैंक में लोन लेने गया तो बैंक के अधिकारियों ने इतना दौड़ाया कि एडमिशन की तारीख समाप्त हो गई लेकिन बैंक से लोन नहीं मिल पाया। इसलिए माननीय मंत्री जी आप छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं छात्रों की पीड़ा क्या होती है ये आप ओके प्लीज ओवर नाउ। Now you can see that it is not going on record. No, over. Chaudhary Manwar Salim. No, that's over. Chaudhary Manwar Salim. I don't want anybody's recommendation. Chaudhary Manwar Salim. No, it's over. Manu, you sit down. Kumar Singh, sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Chaudhary Manwar Salim. I have already announced. Party की ओर से माननीय नरेश अग्रवाल जी बोल चुके हैं लेकिन मुझे कुछ कहना है। आपने जो वक्त दिया वो बहुत है। इनकलाब जिंदाबाद एक शब्द भी बहुत होता है परिवर्तन के लिए। विद्वान 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 वित्त मंत्री जी का कमजोर बजट। माननीय बजट की खसूसियत यह होती है कि बजट से समाज के कमजोर तबकों को क्या फायदा मिल रहा है इससे बजट की गुणवत्ता होती है इस बात पर डिपेंड। लेकिन माननीय मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इस बजट में वो किसान जिनके लिए कभी नारा दिया था मेरे नेता मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मुल्क में नारों पे राजनीति होती रही है आज तक। एक नारा आया जय जवान जय किसान माननीय अध्यक्ष जी वो नारा सिर्फ नारा ही रह गया। जवान की हालत यह है कि जिसने पाकिस्तान के टैंक उड़ाए उस वल्लार अब्दुल हमीद के बच्चे आज रोजगार को तरस रहे हैं और अजहरुद्दीन ने अगर एक विकेट ले लिया तो लैंड क्रूजर 1.5 करोड़ की लेके आ गया। जवान की हालत बुरी हुई। दूसरा नारा आया गरीबी हटाओ गरीब दुगने हो गए गरीबी नहीं हटी। तीसरा नारा आया अच्छे दिन लाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय ये किसानों का देश है। इस देश में
धरती माँ का सीना फट रहा है प्यास से, सूखे के दिन है। 1,000 करोड़ रुपया दिया गया, 1,000 करोड़ रुपया दिया गया सिंचाई के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए, और 7,000 करोड़ रुपया दिया गया स्मार्ट शहरों के लिए। मैं ये एक मिसाल इससे साबित करना चाहता हूं कि बजट मुट्ठी भर लोगों के लिए बना है। बजट में नौजवान मायूस हुआ है, बजट से मुसलमान मायूस हुआ है, और बजट से वो तबका जो 43 करोड़ है, मेरी एक सवाल के जवाब में यहाँ कहा गया था जिसकी रोज की आमदनी अब 32 रुपये आकी जाती है, पहले 28 रुपये आकी जाती थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन परिवारों को जानता हूँ जिन परिवार में मेम साहब का कुत्ता 28 रुपये से ज्यादा का खाना खाता है। अगर उन 43 करोड़ लोगों को बजट ने मायूस किया है तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे विद्वान भाई और माननीय जेटली जी, जिनको देश जिनकी बुद्धिमत्ता को सलाम करता है, शायद उनका बजट किसी के दबाव में बना हुआ बजट है। इसलिए यथार्थ हिंदुस्तान का गरीब नौजवान मुसलमान उससे मायूस हुआ है, किसान मायूस हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि देश के बहुसंख्यकों को सामने रखकर, बजाय नारों के देश के बहुसंख्यक समुदाय को सामने रखकर, उनकी उनकी गरीबी उनकी तकलीफ को देखकर अपने बजट पे एक बार नजरसानी करें। मैं बजट की आलोचना से ज्यादा मशवरा देना चाहता हूं उन्हें कि ये बजट मुट्ठी भर लोगों के लिए बनाया गया बजट है। मैं जानता हूं कि मेरे पास समय नहीं है, आपने मुझे अगर एक मिनट भी दिया तो मैं कहता हूं कि इनकलाब बर्पा करने के लिए एक मिनट भी बहुत। ओके, ओवर 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 now that is time over Vishwam now baithiye not going on record baithiye Sri Vishwam Prasad Nishad is yes now Manohar Salim baithiye Nishad you start please Nishad you start Mananiya Sabhapati ji aapne Mananiya Vitt Mantri ji idhar prastut saman budget mein bolne ka mauka diya dhanyawad don't waste your time for that pach ke logon ne हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव रखे हैं, तो लेकिन आज़ादी के 67 साल होने जा रहे हैं। हमारा देश किसानों का देश है, 70% लोग गांव में रहते हैं। जब तक गांव की तरक्की नहीं होगी, खेती किसानी की तरक्की नहीं होगी, तब तक हमारा देश तरक्की पे नहीं जा सकता है। आज गांव में जो मूलभूत सुविधाएँ होनी चाहिए किसान के लिए होना चाहिए, किसान के लिए बिजली का इंतजाम होना चाहिए, खाद का इंतजाम होना चाहिए, सिंचाई का इंतजाम होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है। आज गांव में रहने वालों के लिए रहने के लिए मकान नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। मैं बुंदेलखंड के बारे में बताना चाहता हूं। बुंदेलखंड में आज भी लोग नदी का पानी पीते हैं, तालाब का पानी पीते हैं। आज सूखे कारण वहाँ दरारें फट रही हैं, 5-5 किलोमीटर से लोग पानी लाते हैं। वहाँ के बारे में कहावत है पाठा क्षेत्र के बारे में कि हमारी गगरिया न फूटे खत्म चाहे मर जाए, मतलब पानी इतना कीमती है वहाँ कि पति जाए खत्म हो जाए पहले कि हमारी गगरिया न फूटे, पानी हमारा बर्बाद न हो, पानी के लिए युद्ध हो रहा है। वहाँ मानवर जंगली जानवर इतने ज़्यादा हैं कि जो किसान थोड़ी बहुत फसल उगाता है तो नील गाय पूरा खा जाती है, किसान पूरा तबाही के कगार पर आ रहा है। आज से अनुरोध करना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि मंत्री जी, बुंदेलखंड के लिए पिछली गवर्नमेंट ने कुछ पैकेज दिया था, उससे उसका पूरा काम नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड को स्पेशल पैकेज दे करके वहाँ के बारे में पानी के बारे में सोचा जाए, क्योंकि पूरी फसलें कृषि जो है पूरी बरसात पर आधारित हैं। इस साल पानी नहीं हुआ, खरीफ की फसल नहीं हुई। हमारा बुंदेलखंड तिलहन और दलहन के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ बिना पानी के गेहूं पैदा होता है, कठिया गेहूं पैदा होता है, जो पूरे देश में लोग मंगाते हैं, जाना जाता है, पौष्टिक है, डायबिटीज के लिए हर चीज़ के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ऐसे इनको शोध करके जो है बुंदेलखंड के लिए तमाम कृषि के लिए बढ़ावा दिया जाए। मानवर हम चाहते हैं, चूँकि सरकार ज़्यादा FDI और PPP पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, हम चाहते हैं कि जैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी देश में व्यापार करने के लिए, अगर हम विदेशी पूंजियों के यहाँ लगवाने का काम करेंगे, विदेशी कंपनियों को यहाँ लाएंगे, क्योंकि जो विदेशी कंपनियाँ और डिफॉल्टर हो चुकी हैं हमारे देश में व्यापार करने के लिए आ रही हैं। चाइना पूरा बाजार में आ गया है हमारे भारतीय बाजार में,
तो हम हमारे जितने उद्योग धंधे हैं सारे के सारे बंद हो जाएंगे। और जब कभी ऐसी स्थिति आएगी जब सीज फायर हो रहे हैं, सीमा का उल्लंघन हो रहा है, और जब पूरा व्यापार बंद हो जाएगा, हमारी कपड़ा पेपर मिले सब बंद हो जाएंगे। ओके 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 ओवर ओवर सिट डाउन सिट डाउन। श्री हुसैन दलवाई सर, थैंक यू सो मच। मैं खाली पॉइंट्स रखूंगा। एक तो इस गवर्नमेंट ने एक अच्छी बात की है कि माइनॉरिटी का अलॉटमेंट जो है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का, वो 600 करोड़ से बढ़ाया है। जेटली जी को मैं आभार मानता हूँ उनके, और मदरसा के लिए 100 करोड़ दिए हैं। जेटली जी, मेरा कहना ऐसा है कि मदरसा चलाने वाले चलाते हैं, उनको चलाने दो। उसके सिवाय मुस्लिम समाज आज मॉडर्न स्कूल में जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, और गए 10 साल से ये मेरी मांग है। पहले हमारे गवर्नमेंट से भी मैंने की थी, महाराष्ट्र में भी की थी, कि उनको स्कूल दीजिए। आज जो चाइल्ड लेबर है, लेबर फोर्स है, उसमें 78% मुस्लिम समाज के हैं, क्योंकि गुर्बत इतनी है, गरीबी इतनी है, इस हालात में रहते हैं। उनको आज वो पढ़ना चाहते हैं, स्कूल में जाना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, उनको वो मौका नहीं मिलता। आप एक करिए कि हर जिले में कम से कम एक स्कूल ऐसी बनाइए जिसमें सारी बातें उनको, रेसिडेंशियल स्कूल, उनको खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, बुक्स मिलेंगे, खेलने के सुविधा मिलेगी, ये करिए। और दलित और आदिवासियों को जो फैसिलिटी शिक्षा में मिलती है वो उनको दीजिए। गरीब मुसलमान, जब मुसलमान बोलता हूँ मेरे दिमाग में मुसलमान अमीर बिल्कुल नहीं रहता, गरीब मुसलमानों के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। और वो इतना आप करिए, उनके टीचर्स के दो तीन साल से उनको ऑनरेरियम नहीं मिला है, उसका पेमेंट मिलेगा, ये आप देखिए। फिर मेरा कहना ऐसा है कि ग्रांट्स इन एड टू मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, जिसके जरिए गरीब मुस्लिम औरत लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है, वो स्कॉलरशिप पहले उसमें आप रिडक्शन 47 करोड़ से किया है, वो रिडक्शन करने के बजाय आप बढ़ाई है, ऐसा मेरा कहना है। नॉर्थ रीजन की बात इन्होंने की, नॉर्थ रीजन में भी आपने 72 करोड़ कम किए हैं। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी के लिए मदद की जाती है, उसमें भी 5 करोड़ आपने कम किए हैं। स्कीम फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी वीमेन, जिसके जरिए औरतों के लिए क्या क्या स्कीम है वो बताने की, लीडरशिप तैयार करने का काम होता है, उसमें भी आपने कटौती की है, वो ये बदल दीजिए। मौलाना आजाद मेडिकल एड स्कीम, ये नई स्कीम आपने लाई है, बहुत अच्छी बात है, और मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। वैसा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज, उसमें भी बढ़ोतरी आपने की है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज, उसमें भी आपने बढ़ोतरी की है। ये सब मैं इसलिए आभारी हूँ, लेकिन जहाँ कम किए गए हैं वो बढ़ाने की कोशिश कीजिए। यस सर। अरे ओके ओके। नाउ सिट डाउन श्री जयसुदा सीलम। नाउ सिट डाउन, सिट डाउन। नो मिनट, दैट्स ऑल, सिट डाउन। नो, नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। सीलम, इफ यू वांट टू स्पीक, नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। सर, आई जस्ट वांट टू मेक क्विक 3 पॉइंट्स। ओके। वन इज रिगार्डिंग अलॉटमेंट टू आंध्र प्रदेश, सेकंड इज ऑन दी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सब प्लान, एंड द थर्ड ऑन दी विजन डॉक्यूमेंट दैट इज प्रपोज्ड बाय द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर। On the Andhra Pradesh side, sir, as you are aware, the Bharatiya Janata Party and especially Sri Arunji also was very categorical that they would provide necessary assistance when the opportunity comes. Among other things, the Prime Minister spoke in Rajya Sabha to give a compensation as a loss for loss of Hyderabad revenues. Unfortunately, we will be losing 17,000 crores. So it was assured that something like not less than 10,000 crores would be provided in this budget. Unfortunately, that is not forthcoming. Secondly, sir, the UPA government, while agreeing to the request of our friends from Telangana, ensured that Andhra Pradesh, the rest of the state of Andhra Pradesh, do not suffer from
the infrastructural facilities, IIT, IIM, IIIT, NIT, ICER, Agriculture University, Tribal University, a port and other institutional facilities are given. But what is the allocation made, sir? I'm very sorry to say, a token allocation of 1 crore each is made. That is not at all sufficient, sir. And unfortunately, the bill provides for substantial amount to be allocated for establishing the capital. Sir, nowhere in the budget the amount is indicated. Sir, it is high time that in his speech, he may kindly come out how much is going to allot for the capital, building of the capital, and also to various the institutions, education institutions. Sir, AIIMS-like institute, he has clubbed the Andhra Pradesh with West Bengal, Uttar Pradesh and Maharashtra and entire all the four states together 500 crore. Sir, this is very, very meager. And first of all, we will not be able to present our budget this year. To meet the deficiency, he has to announce, sir. Secondly, the SCP, TSP, I am happy that Arunji has given a boost as it is been the continued the UPS process of the sub-plan, but ensure that the amount is spent. That is a problem. Money is allocated but not spent. Even if it is spent, it is not spent for the right purpose. Even if it is spent for the right purpose, so there is a lot of cutting at various stages. And third, last point, sir, the 10-point agenda, the former FM, Mr. Chidambaram, gave on fiscal deficit, current account deficit, price stability and growth, financial structure reforms, infrastructure, manufacture, subsidy issues, urbanization, skill development, and cooperation with the states. Sir, GST yes. has to be brought. Okay, now sit down. Okay, Sri Bhupendra Singh. Over. Yes, 3 minutes. Over.